सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर सिविल लाइन में कक्षा 8 से 12 तक के छात्र छात्राओं एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा लगभग 40 किलोमीटर की परिधि में मानव श्रृंखला बनाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि रोड एक्सीडेंट का मुख्य कारण ओवर स्पीड है। समझते हैं कि हम कितना एक्सीलरेटर को दबा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सड़क सुरक्षा शपथ लिए हैं और इसमें जिला मुख्यालय के स्तर पे हम लोगों ने 39 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई है और इसके अलावा हर तहसील में और हर ब्लॉक मुख्यालय पे हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। आज जनपद के हर प्राथमिक विद्यालय में, हर इंटर कॉलेज में और हर विद्यालय में इस सड़क सुरक्षा शपथ का हम लोगों ने आयोजन किया और हर जगह हम लोगों ने मानव श्रृंखलाएं बनाई है। और इसका उद्देश्य ये है कि सड़क सुरक्षा से जो भी रोड एक्सीडेंट से जो भी मृत्यु हो रही है या दिव्यांगता हो रही है तो उन सबको रोका जाए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भी प्रयागराज जनपद में 450 के आसपास मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट्स में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब तक हम बच्चों को इस पे शामिल नहीं करेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाना संभव नहीं है। तो आज इसीलिए जो भी 8वीं क्लास के ऊपर के जितने बच्चे थे उन सारे स्कूल्स को बुलाया गया और जनपद मुख्यालय के 27 से भी ज़्यादा स्कूल्स के आज बच्चे और शिक्षकगण इसमें शामिल हुए हैं और स्काउट एंड गाइड का बैंड भी इसमें शामिल था। जितने स्कूल्स हैं उन सब के शानदार और बेहतरीन बैंड भी यहाँ आए और उन्होंने एक उत्साहपूर्ण बैंड वादन भी किया है। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने जो सड़क सुरक्षा शपथ लिया है ये हर व्यक्ति को, हर बच्चे को और हर नागरिक को एक मैसेज देगा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए और इसके लिए जो भी लापरवाही है उन सारों को दूर किया जाए और हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो भी रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता उस पर निस्संदेह कार्य करेंगे और आने वाले समय में हम सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी रोक लगाने में सक्षम होंगे। इसके पूर्व जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधित यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया तथा विभिन्न बिंदुओं पर उपस्थित जनों को शपथ दिलाई। हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु स्वयं वा पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के कार्यक्रम में राजेश कुमार मौर्य, संभागीय परिवहन अधिकारी ने उपस्थित लोगों को सड़क दुर्घटना के गत वर्ष के आंकड़ों से अवगत कराते हुए दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली जनधन हानि से सचेत किया तथा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से लोगों से वाहन चलाते समय यातायात नियमों एवं संकेतों का पालन करने हेतु अनुरोध किया। संभागीय परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि सड़क दुर्घटना में एक वर्ष के दौरान पूरे देश में 1.50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा उप्र में 22,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। जनपद प्रयागराज में 650 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है।